हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैंक की लास्ट का 6 मंथ की स्टेटमेंट या किसी पर्टिकुलर मंथ की स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। तो अगर आप SBI योनो में जाओगे तो यहाँ पर आप अकाउंट्स पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करो। फिर यहाँ पर आप ऊपर एक ट्रांजेक्शन डिटेल्स के लाइन में यहाँ पर एक दो लोगो देख सकते हो, एक ईमेल का है और एक SBI में पेमेंट भी लिखा हुआ है कुछ। तो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपकी बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड भी कैसे डालना ये बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिर्फ लास्ट 150 ट्रांजैक्शन का ही स्टेटमेंट मिलता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मंथ का या किसी लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए तो इसके लिए आपको मोबाइल बैंकिंग ओपन करना पड़ेगा, जो जिसके लिए आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा। और क्रोम में आप SBI टाइप करो। SBI टाइप करने पर आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट दिखेगी, onlinesbi.com। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आपका यूज़र नेम पासवर्ड डालो और उसे लॉगिन करो। तो ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर माई अकाउंट्स के नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट। तो आप अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने पर आपका जो अकाउंट अभी जो सेविंग अकाउंट है उसे सिलेक्ट करें। उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखाएगा। तो आपको किसी पर्टिकुलर मंथ की चाहिए या लास्ट 6 मंथ की चाहिए तो आप यहाँ से डेट फिल करके आप उसकी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। बाय द वे, आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑप्शन है लास्ट 6 मंथ, तो उस पर क्लिक करें। और यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, MS Excel में चाहिए या PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे PDF में चाहिए तो मैं PDF पर क्लिक करता हूँ और गो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको डायरेक्टली आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट क्या है।